अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी माँ के हाथों की आपको अच्छी रेसिपी बताना चाह रही हूँ। तो हम लेंगे 2 कप बेसन, उसको पानी से थोड़ा सा घोल लेंगे। हमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि उससे हमारे बेसन के अंदर लम्स ना बने। फिर हम इसमें आधी प्याज ऐड कर देंगे चॉप की हुई, आधा चम्मच ज़ीरा शामिल कर देंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, हसब ज़रूरत नमक शामिल कर देंगे, जितना आपको चाहिए। इसमें हम हरा धनिया ऐड कर देंगे, आधी गड्ढी हरा धनिया शामिल कर देंगे। उसके अलावा हम पिसी हुई आधे चम्मच मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे। इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। इसका बैटर हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है और ज़्यादा पतला नहीं करना है। आप देखते जाइए जिस तरह का बैटर हमने तैयार करा है, इसी तरह का बैटर आपको तैयार करना है। आप अच्छी तरह से इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दें और अच्छी तरह से फिर उसके बाद इसको पका देंगे जब तक कि इस तरह एक साथ शामिल ना हो जाए हाथ से लेके। और ये बाकी बचा हुआ बेसन इसमें लगा हुआ है, 2 कप पानी डाल के इसको पकने दें। उसके बाद ये सारा चीज बेसन जो नीचे लगा हुआ है वो इस पानी में डाला जाएगा। उसके बाद एक ठेली की मदद से हम यहाँ बेसन की कढ़ाइयों को जमाने की तैयारी कर रहे हैं। ये गर्म होता है इसलिए हम यहाँ थैली की मदद से इसे जमा रहे हैं। यहाँ ये देखते जाएं हमारा बेसन पानी के अंदर हल हो रहा है। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। आप जैसे दिल चाहे इस तरह से कट कर सकते हैं। ये मेरी माँ आपको कट करके दिखा रही है। माँ के हाथ का जायका ही अलग होता है। वो जैसे भी जो चीज़ बना लें उनके हाथ में बहुत अच्छा जायका होता है। ये देखिए गाइस कितनी अच्छी कढ़ाइयाँ जम चुकी हैं। एक देखिए में हम ऑयल लेंगे, उसमें हम ज़ीरा शामिल कर देंगे। और 2 पीसी हुई प्याज शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह चलाएंगे। उसके बाद 2 चम्मच अदरक के डाल रहे हैं, 2 चम्मच हम लहसुन के शामिल करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें कड़ी पत्ता शामिल कर देंगे। याद देख रहे हैं हमने 1 चम्मच हल्दी डाली है, ये 1 चम्मच हमने धनिया शामिल कर दिया है और 2 चम्मच हमने पिसी हुई मिर्च ले ली है। अब हम इस मसाले को भूनेंगे। इसमें नमक शामिल कर दिया है, उसके बाद हमने इसमें दही शामिल कर दिया है। दही शामिल करने के बाद हमें इसे बहुत ज़्यादा भूनना है ताकि मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो जाए। और ये देखिए कढ़ाइयाँ जम के तैयार हो गई हैं। जो बड़ी हैं हम उसे थोड़ा कट कर लेंगे। और ये हमने जो बेसन घोला था ये हम इसमें शामिल कर देंगे शोरबे की जगह। ये देखिए गाइस हमारा इतना अच्छा शोरबा बन के तैयार हो गया है। तो इस तरह से हम प्लेटर में इसको डिश आउट कर रहे हैं और ये देखने में कितनी मज़ेदार लग रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद है।